अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज जो है हमने एक्सरसाइज 9.2 के तमाम क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ये और ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सारे पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा देखनी है। एक क्वेश्चन समझ लेना ये वाला, बाकी सारे खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर भी कराए हैं। आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो देख लेना। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि भाई आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस हमारी है 2000, ठीक है। इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, गैस पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर का सॉल्व, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ। अच्छा, फ़ीस पूरे साल के लिए सिर्फ जस्ट वन टाइम है, एक बार देनी है 2000 रुपये। तो पूरे साल में आई थिंक आप इतना जो है वो कर सकेंगे आराम से, और जैसे ही आप ऐड होंगे तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया ना, यकीन माने आप सारी एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज आपके लिए सिंपल हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब देखो है क्या सवाल, समझो। सबसे पहले ड्रॉ ग्राफ, यानी आपने क्या करना है, ये जो ग्राफ पेपर है इधर ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, इन दो इनइक्वालिटीज़ की मदद से, ठीक है। पहले हम इस इनइक्वालिटी को यूज़ करके एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट पता करेंगे, फिर इस इनइक्वालिटी को यूज़ करके एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, और फिर हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ऑफ़ द फॉलोइंग सिस्टम, अच्छा सिस्टम यानी आपको दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, लीनियर का मतलब क्या है कि इन दोनों लाइन की मदद से जो ग्राफ बनेगा ना, या जो भी लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। देखो ऐसा तो नहीं है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन आ रही हो, कभी कर्व भी आता है, कभी जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी आती है। लेकिन अगर लीनियर कह दिया गया है ना, इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन आएगी, ये याद रखना। अच्छा, एंड आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन क्या होता है, ज़रा ये सुनो, ये असल चीज़ है। फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट, ये असल है, इससे पहले ये नहीं था। फिजिबल रीजन वो रीजन होगा जो इन दोनों लाइन में कॉमन आ रहा होगा, बात समझे। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, और ये आपने दूसरी लाइन बनाई। अब ये रीजन कॉमन आ रहा है ना, ये कॉमन आ रहा है, ये इस लाइन की मदद से भी ये रीजन आ रहा है, इस लाइन, ये वाला नहीं देखो, ये वाला नहीं देखो, नीचे वाला देखो। तो ये फिजिबल रीजन है, अभी ग्राफ बनाऊंगा तो फिजिबल रीजन नज़र आएगा। अच्छा, फिजिबल रीजन के साथ साथ एक और चीज़ समझ लो, कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैंने ये शुरू में बताया भी था एक्सरसाइज में, फिर देख लो, अच्छा बात एक्सप्लेन हो जाएगी। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है ये जो इनइक्वालिटीज़ है ये कॉन्स्टेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी इन्होंने लिमिटेशन लगा के दी हुई है। इन्होंने ये कहा है कि प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी नहीं लेना, सॉरी, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी नहीं लेना, ज़ीरो ले सकते हो। क्यों ज़ीरो ले सकता हूँ, क्योंकि देखो ये नीचे हमारे पास इक्वल टू का एक लाइन बनी हुई है। ज़ीरो से बड़ी भी ले सकते हो, लेकिन ज़ीरो नहीं लेना। वाई की वैल्यू के साथ भी सेम करना, या तो ज़ीरो ले लेना या ज़ीरो से बड़ी, ज़ीरो नहीं लेना। तो जब लिमिट लगा के दे दें, यानी कोई आपको हद बना दें, जैसे कहा जाता है ना बेटा अकेले रात को बाहर नहीं जाना, लिमिटेशन लगा देते हैं ना आप पे। क्यों, क्योंकि भाई अकेले बाहर जाना बहुत ख़तरनाक है रात के वक्त, ठीक है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। तो एक लिमिट लग गई, इसी तरह से यहाँ भी लिमिट लगा दी है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपके पास कुछ रीजन आ रहा होगा जो कि नेगेटिव में होगा, कुछ रीजन पॉजिटिव में होगा, लेकिन आपने क्या ख्याल रखना है, आपने एक्स की वैल्यू ज़ीरो तो ले सकते हो, ज़ीरो से छोटी नहीं लेना, वाई की वैल्यू भी ज़ीरो ले सकते हो, ज़ीरो से छोटी नहीं लेना, बड़ी लेना, ठीक है। ये ग्रेटर देन के साइन समझ में आ गए। अच्छा देखो, बात तो समझ में आ गई है। अब कॉर्नर पॉइंट क्या होते हैं, देखो जहाँ पर दो लाइन आपस में मिलती है ना, वो एक कॉर्नर बनता है। कहते हैं ना यार, कोने पे चले जाओ वहाँ पर चिप्स मिल जाएगी या वहाँ पर सब्ज़ी मिल जाएगी। अब आप कोने पे जाओगे ना तो देखोगे कि दो रास्ते आपस में उधर मिल रहे होंगे, तो कॉर्नर वो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी अपने घर में ही बैठे हुए होगे, आई होप कोचिंग में तो होगे नहीं, या अगर स्कूल या कहीं भी हो तो ज़रा कोने की तरफ देखो, आपके घर में जो कोना है या जहाँ भी कहीं कोना है, कोना देखो, दो दीवारें मिल रही होंगी उस पॉइंट पर आकर। तो कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन जब निकालोगे तो कॉर्नर पॉइंट खुद ही नज़र आ जाएंगे, वो मैं दिखा दूंगा कैसे। तो चलो बात समझ आ गई ना। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, ज़रा ये सुनो, एक्स इंटरसेप्ट इसकी मदद से, वाई इंटरसेप्ट इसकी मदद से, मतलब पहले इनइक्वालिटी वन यूज़ करके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लो,
फिर इनइक्वालिटी 2 यूज़ करके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें हम जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यानी जो जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं वो पॉइंट हम नहीं निकालेंगे, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। अच्छा, एक कंडीशन याद रखना कि हम इन्हें इनइक्वालिटी रख के सॉल्व नहीं करेंगे, हम इन इक्वालिटीज़ को इक्वेशन बना लेंगे। तो जो इक्वेशन बनेगी वो भी कांस्टेंट होगी, यानी उसमें भी एक लिमिट लगी हुई होगी। ये लिमिट है आपकी, देखो ये लिमिट लगी हुई है। चलो और इसको करते हैं। ये आप अगर अपने बुक की एग्जांपल देखो तो उसमें ये बात उन्होंने कही हुई है, FIR फर्स्ट वी कन्वर्ट, या कन्वर्ट कह लो या कंसीडर कह लो, फर्स्ट वी कंसीडर इन इक्वेलिटी इनइक्वेलिटीज एज एन हम इक्वेशन बना लेंगे, एज एन इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में ही इक्वल टू आता है, तो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं इसका मतलब है इक्वल टू लेकर आएंगे हम बीच में। अच्छा देखें, अब ये क्या हो जाएगी आपके पास, 2x-3y=0, सॉरी 8, ठीक है। अच्छा ये इन इक्वेशन आपकी बन हो गई। अच्छा इसी तरह दूसरे के लिए भी कर दो, 3x+2y=10, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल लो, इनइक्वालिटी में भी निकाली जा सकती है लेकिन इक्वेशन बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा यूज़ वर्डिंग ज़रूर लिखना, इक्वेशन 1 एंड फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, ठीक है। एज इट इज़ लिखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये मैं काफ़ी इस तरह से काम कर रहा हूँ कि अगर बोर्ड में कोई भी ये बच्चा लिख कर आता है तो बेस्ट हो जाएगा काम, ठीक है। चलो एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस पर लाइन कहाँ पर है, मतलब पॉइंट कहाँ पर है, या लाइन जो बन रही है वो एक्स एक्सिस पर कहाँ पर काट रही है। अभी मैं ग्राफ बनाऊँगा तो वो आप ईजिली वॉच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तो चलो अब लिखते हैं, हमारे पास x इंटरसेप्ट के लिए आप y की वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है, ये आपको पता है, 2x-3 और ये 0, y हो गया 8 हो गया, ठीक है, तो 2x=8 हो गया। अच्छा देखो ये 2 के टेबल पर 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, तो x=4 आपका आ गया x इंटरसेप्ट, एंड y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। अच्छा y इंटरसेप्ट के लिए आप सब जानते हैं कि x 0 रखते हैं, तो 2x0 आ गया -3y=8 हो गया, ठीक है, ये आपको अच्छी समझ में आई होगी बात, आई होप। अच्छा तो अब हमारे पास क्या आ गया, y जस्ट y हो गया, माइनस और 3 डिवाइड हो गया, तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं 8/3, तो ये आपका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ गया। अच्छा अब हम देखते हैं कि शेडेड रीजन, इधर आप x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखो, शेडेड रीजन देखते हैं। अब शेडेड रीजन में थोड़ा समझा देता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं हो, शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन क्या है, देखो आपके पास ग्राफ जब यहाँ बनाओगे ना तो ऐसे बन रहा होगा कि रीजन ओरिजिन की तरफ भी आ रहा होगा, ओरिजिन से दूर भी आ रहा होगा। अगर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 और 0 यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में 2x-3y=8, तो देखो मैंने 0 पुट किया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाए, सॉरी यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। अच्छा 0, अच्छा ये बात ठीक लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है, देखो 0 लेस होता है 8 से, बात ठीक लिखी हुई है ना, यानी ये ट्रू लिखा हुआ है, देखो ये गलत तो नहीं लिखा हुआ ना, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता कि 0 बड़ा होता है या बराबर होता है 8 के तो गलत था। आप इक्वल नहीं देखो, आप छोटा देखो, 0 छोटा होता है ना 8 से, ये बात तो सब जानते हैं, और 8 बड़ा होता है ना 0 से, ये बात भी, यानी ये ट्रू सही बात लिखी हुई है। अगर ये चीज़ सही है तो इसका मतलब है कि शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजन होगा, यानी आप ओरिजन की तरफ कलर करोगे। अभी ज़रा मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलो तो ये हमारा पहली वाली इनइक्वालिटी और पहली वाली जो चीज़ थी वो आपकी सॉल्व हो गई। अच्छा अब हम यूज़ करते हैं, यूज़
इक्वेशन टू, अच्छा देखो टू कौन सा, ये वाला है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 आ गया। x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट, देखो वडी वडिंग जो होती है ना, वडिंग ये नहीं है कि ये वाली लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, वडिंग आप नॉर्मल भी लिख सकते हो लेकिन वडिंग होनी चाहिए। कैलकुलेशन के साथ वडिंग आना इसका मतलब है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम साथ सीधा समझ जाते हैं इस बात को। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 80 लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है ये 10 है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, अच्छा x इंटरसेप्ट तो यानी y की इक्वल वैल्यू ज़ीरो रखूँगा मैं, 3x प्लस 2 और ये 0 और ये 10 आ गया, ठीक है। तो मेरा x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 10 अपॉन 3 आ रही है, ठीक है भाइयों। अच्छा चलें स्टूडेंट अब आगे चलते हैं, अब y इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट यानी x की वैल्यू ज़ीरो रखूँगा मैं, सिंपल बात है, तो 3x हो गया प्लस 2y हो गया इक्वल टू 10, ऐसे टेस्ट पहले लिख देते हैं। अच्छा ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, लिख लो डायरेक्ट या डायरेक्ट बता दो एक ही बात होगी, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। अच्छा देखो तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई, मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है, तो y इक्वल टू 5 आ रही है। अब शेडेड रीजन भी देख लेते हैं, अच्छा यहाँ काम करता हूँ मैं, ठीक है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह भी अच्छी हो जाए, ग्राफ एक ही बनेगा, ठीक है ग्राफ एक ही बनाऊंगा मैं, उसी में काम हो जाएगा हमारा। अच्छा अब शेडेड रीजन इसके लिए देखते हैं, अगर ये चीज़ सही है यानी x की वैल्यू y की वैल्यू ज़ीरो पुट करने से लेस देन 10 आया, ज़ीरो लेस देन 10 आया तो इसका मतलब है बात ठीक है। चलो आओ ज़ीरो और ज़ीरो पुट किया, कौन क्या ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, एक्स और वाई, और कहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, 3x प्लस, देख के भी पहचान में आ रही है बात, 2y 10, तो x की वैल्यू 0 यानी 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 0 लेस होता है 10 से, ठीक है। अगर ये बात सही है तो वर्डिंग क्या आएगी, शेडेड रीजन, यानी आप ओरिजिन की तरफ कलर करोगे, शेडेड रीजन टू वर्ड ओरिजिन। अब देखो अब आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब देखो अब आ जाओ हम बनाते हैं अपना ग्राफ, अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ। अच्छा सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास है 5, क्योंकि ये 10 अपॉन 3 5 से तो छोटा ही होगा ना। अच्छा चलो अब मैं ग्राफ बनाता हूँ, चलो तो ये आ गया, देखो अगर सही से देखोगे तो आपको सेंटर नज़र आ जाएगा ग्राफ में, ठीक है। ये मेरा आ गया x, ये मेरा y एक्सिस आ गया, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y नेगेटिव आ गया, यहाँ से यहाँ मेरा x आ गया, यहाँ मेरा x आ गया, ठीक है दो मेरे एक्सेस आ गए। अच्छा देखो ज़रा मेरी बात सुनो, अच्छा ये बात आपको वैसे पता भी होगी, कैलकुलेटर से करके देख लेना कि y की वैल्यू 3.33 दी हुई है आपको, ठीक है। तो 10 को जस्ट डिवाइड कर लेना, 10 को जस्ट डिवाइड कर लेना आप किससे, 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि y की वैल्यू 3.33 दी हुई है, सॉरी x की वैल्यू 3.33 दी हुई है। अच्छा तो यानी यहाँ पर आप ग्राफ ऐसे बनाना कि 4 तक आपके पास जा रहा हो, तो 1 2 3 कर लेते हैं, 1 2 3, ये तो छोटा हो जाएगा ग्राफ है ना, 1 2 3 नहीं, ऐसे बना लेते हैं कि 0.5 का डिफरेंस रख लेते हैं, ग्राफ अच्छा बन जाएगा, 1.5 1 आएगा, सॉरी थोड़ा सा सही बनाता है, डिफरेंस सेम रहना चाहिए, ठीक है। यानी एक से दूसरे पॉइंट के दरमियान, मैं बता देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसके दरमियान का डिफरेंस निकालो 0.5 डिफरेंस निकालो 0.5 2, डिफरेंस निकालो 0.5 2.5, डिफरेंस निकालो 0.5 3 और 3.5, अब आपका ग्राफ सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो 1 2 3 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा नीचे जाने की वैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नेगेटिव में हमारी वैल्यू है, तो हम इधर भी बना लेते हैं नेगेटिव में, -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 और -3.5, ठीक है ये हो गया हमारा। अब ये नेगेटिव में चले जाते हैं, आपको ये लाइनें नज़र आ रही होंगी तो लाइनों पे बनाना है आपने,
ये ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, इस तरह साफ सुथरा आप अच्छे से ग्राफ बनाइएगा, माइनस नाइन, ठीक है। अच्छा चलो अब हम अपने पॉइंट्स को ड्रॉ करने की तरफ चलते हैं। देखो भाई एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, फोर, यानी एक्स की वैल्यू फोर आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है, यहाँ पर आएगा। अच्छा ये चीज़ हमने देखी नहीं थी कि ये ऐसे बन रहा है, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास फोर आ गई, ठीक है। अच्छा अब वाई की वैल्यू देखो क्या है, वाई की वैल्यू आपके पास है, देखो एक्स की वैल्यू अगर फोर है तो वाई की वैल्यू आपने ज़ीरो रखी थी, ठीक है, तो देखो वाई की वैल्यू यहाँ ज़ीरो आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ फोर आ गई, यहाँ पर है हम फोर है, ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ ये कर दिया, डॉट बना दिया। अच्छा डॉट बना लिया करने पहले ज़्यादा बेहतर होगा। अब हमने ये अभी पढ़ा, एट अपॉन थ्री देख लेते हैं किसके बराबर होगा, एट अपॉन थ्री ये बराबर है 2.55, लेकिन नेगेटिव में 2.66 नेगेटिव में, तो 2.66 यहाँ पर आएगा कुछ, ठीक है, तो ये आपकी एक लाइन तो आ गई। अच्छा अब दूसरी लाइन देखते हैं, एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, 3.33, तो 3.33 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा वाई की वैल्यू क्या है, 5, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा तो जब आपके पास एक इक्वेशन, यानी जब आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करी 2x-3y, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखी, वाई की वैल्यू ज़ीरो रखी, तो कौन सी लाइन बन रही थी आपके पास, ये वाली लाइन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लाइन सही बनाइएगा, ये वाली लाइन बनी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन सी वाली लाइन बनी, उसके बाद आपके पास ये वाली लाइन बनी, ठीक है, ये वाली लाइन बनी, ठीक है, ये वाली लाइन बनी। अच्छा अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आपस में लाइन मीट कर रही हैं, ये दो वो, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में मीट कर रही हैं, तो इसको आपने ज़रा देखना होगा। चलो अब आओ मैं इसको ज़रा आगे मज़ीद सॉल्व करना सिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से कराता हूँ आपको। अच्छा अभी देखो फिजिबल रीजन, अब आ जाओ फिजिबल रीजन, आपके पास ये वाली कंडीशन याद रखना, ये वाली कंडीशन क्या कह रही है कि आप जब रीजन बना रहे होंगे, ये कंडीशन ये बता रही है कि आप एक्स से नीचे नहीं जाना रीजन बनाते वक्त, फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन बनाते वक्त, यानी दोनों लाइन, देखो दोनों लाइन अगर आपस में मिल रही हैं तो ये वाला पूरा रीजन बन रहा है ना, यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलकर आ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है कि एक्स की वैल्यू छोटी नहीं लेना ज़ीरो से, और वाई की वैल्यू भी छोटी नहीं लेना ज़ीरो से, बड़ी लेना, तो यानी, और ज़ीरो ले सकते हो पर, तो यानी ये वाला रीजन हम कलर करेंगे, ठीक है। अब सवाल अगर ये आ रहा है दिमाग में, सर नीचे क्यों कलर नहीं कर रहे, नीचे वाला रीजन भी तो आ रहा है, कंडीशन दी हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि एक्स की वैल्यू छोटी मत लेना बेटा, और वाई की वैल्यू ज़ीरो से छोटी मत लेना, हाँ ज़ीरो ले लो, जब भी देख लो ज़ीरो वाली लाइन भी कलर हो रही है, ज़ीरो वाली लाइन भी मीट कर रही है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो, यहाँ वाई की वैल्यू ज़ीरो। अच्छा अब कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलेंगे, यहाँ पर ये लो, ये दोनों आपस में मीट कर रहे हैं, तो ये वाला एक कॉर्नर पॉइंट हो गया, ज़ीरो और ये फाइव। अच्छा और यहाँ पर ये लो, ये आपस में मीट हो रहा है, मतलब रीजन यहाँ से मीट हो रहा है, यहाँ पर रीजन मीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये अभी हमने बनाया था टेन अपॉन, देखो यहाँ से हमने देख के बनाया था ना, टेन अपॉन थ्री और ये ज़ीरो। अच्छा यहाँ पर मीट हो रहा है, दो लाइनें आपस में यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो कॉर्नर ये हो गया, तो तीन कॉर्नर हैं, एक दो तीन, और ट्रायंगल बनता हुआ नज़र भी आ रहा है, तो ये है आपका जवाब। तो कॉर्नर पॉइंट लिख लो। अच्छा पॉइंट से यानी प्लूलर आएगा, एक है ज़ीरो ज़ीरो और एक है 0.5 और एक है आपके पास 10/3 और ज़ीरो। समझ गया भाई, नज़र आ गया रीजन कैसे बनाया, फिजिबल रीजन। अच्छा ओरिजिन की तरफ क्यों बनाया, क्योंकि आपके पास ये चीज़ भी ट्रू आ रही थी और ये वाली चीज़ भी ट्रू आ रही थी, ये वाली चीज़ भी ट्रू आ रही थी, ये ज़ीरो ज़ीरो से छोटे थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, एक सवाल 18 मिनट ले गया लेकिन बात अच्छी समझ में आ गई होगी। अब अगला पार्ट कराता हूँ, उसमें अगर कुछ इधर कुछ समझ नहीं आया ना तो उधर आ जाएगा। अच्छा तो अगर तस्वीर लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, ये लो तस्वीर लेना चाहो तो ले सकते हो, आई होप विजिबल हो, 760p में ले जाना, विजिबल हो जाएगा। चलो अब आगे दूसरा पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट आपके सामने मौजूद है, जो कि दिया हुआ है
माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई ग्रेटर देन या इक्वल टू टेन, टू एक्स प्लस वाई लेस देन या इक्वल टू एट, और कांस्टेंट जो आपको दिए हुए हैं यानी जो लिमिट दी हुई है वो ये दी हुई है कि एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी नहीं लेना, ज़ीरो से छोटी नहीं लेना, ज़ीरो से बड़ी कोई भी ले सकते हो और ज़ीरो भी ले सकते हो, वाई की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी कोई भी ले सकते हो, ज़ीरो भी ले सकते हो, लेकिन ज़ीरो से छोटी नहीं लेना, ठीक है। तो इक्वेशन चीज़ें सब समझ में आ गई हैं आपको, अब आ जाओ आगे चलते हैं, ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमें बात समझ आ चुकी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को इक्वेशन बना लेते हैं। फर्स्ट वी कंसीडर इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन, ठीक है। ये बात तो बहुत क्लियर वाली है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई इक्वल या बड़ा टेन से, ठीक है, लेकिन अब इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बना रहा हूँ ना, तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर वन हो गई। अच्छा, टू एक्स प्लस वाई लेस या बराबर, जिसे हम इक्वल टू बना देंगे, ठीक है, इसे भी इक्वल टू, इसे भी इक्वल टू एट के, ठीक है, चलो। अच्छा, अब सबसे पहले इक्वेशन नंबर वन यूज़ करते हैं, यूज़ इक्वेशन वन एंड फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता करते हैं, देखते हैं फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट में वाई की वैल्यू आप ज़ीरो रखते हो, ठीक है, तो ऊपर पुट करोगे तो माइनस फाइव एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू टेन, तो ये एक्स आ गया, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस टेन हो गया और फाइव हो गया, तो ये वन पर आता है, ये टू पर आता है, तो एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हाँ नज़र सही आ जाए। अच्छा, तो x क्या आ रहा है आपका, देखो x इक्वल टू टू माइनस टू, ठीक है, चलो ये तो x इंटरसेप्ट हो गया। अब पता करते हैं y इंटरसेप्ट, तो x की वैल्यू आप ज़ीरो रख के सॉल्व करोगे तो फाइव और यहाँ ज़ीरो आ गया, प्लस फोर वाई इक्वल टू टेन आ गया, ये ज़ीरो हो गया, y हो गया, ये टेन हो गया, ये फोर हो गया, ये कितने पर आता है, फोर के टेबल में टू पर, ये ये टू के टेबल में आता है टू पर, टू का टेबल पढ़ रहा हूँ ना, तो ये फोर तो टू पर आ गया, फाइव टेन पर, टेन जो है वो फाइव पर आता है, तो फाइव अपॉन टू और प्लस में आएगा जवाब। अच्छा, अब शेडेड रीजन देख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो और ज़ीरो पुट करेंगे एक्स और वाई को, तो यहाँ पुट करते हैं माइनस फाइव ज़ीरो प्लस फोर ज़ीरो। अच्छा, ये बात तो गलत है, ज़ीरो कभी भी बड़ा नहीं होता और ना ही बराबर होता है टेन के, तो ये तो फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या हो गया, शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, शेडेड रीजन इज़ नॉट टूवर्ड द ओरिजिन, ठीक है, शेडेड रीजन नहीं होगा ओरिजिन की तरफ। अच्छा, ये तो हमारा काम हो गया पहले वाले इनइक्वालिटीज़ के लिए, अब दूसरी वाली यूज़ करते हैं, यूज़ इक्वेशन टू एंड फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए तो आप सबको पता है हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट, तो यानी वाई की वैल्यू ज़ीरो रखोगे आप, तो टू एक्स प्लस ज़ीरो इक्वल टू एट, तो एक्स इक्वल टू एट अपॉन टू, यानी एक्स इक्वल टू जस्ट फोर आ रहा है आपके पास, ठीक है, एक्स इक्वल टू जस्ट फोर आ रहा है, क्यों फोर आ रहा है, ये टू के टेबल में फोर, फोर पर आता है, ये वन पर आता है, तो फोर आ गया। अच्छा, आ जाओ आप आगे चलते हैं।
आसान भी है ये एक्सरसाइज, टाइम कंज्यूमिंग वाली भी है, बस मेहनत से करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब वाई इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं। वाई इंटरसेप्ट जस्ट एक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, इधर इधर पुट करना है ना, इधर टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी एट, एट था तो देखो अब तो ये जस्ट ज़ीरो हो जाएगा x, और y आपका आ जाएगा एट, तो y इक्वल टू एट आ रहा है। y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू एट आ गया। यहाँ रुकना नहीं है आपने, शेडेड रीजन निकालना है। अच्छा, तो ज़ीरो ज़ीरो x और y, अच्छा टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस वाई लेस होगा या बराबर होगा एट के, तो देखो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये बात ट्रू है, ज़ीरो छोटा होता है आपके पास एट से, ट्रू, सही लिखा है ना। तो शेडेड रीजन कहाँ चला गया, शेडेड रीजन टू वर्ड ओरिजन। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है मैं ज़रा बताता हूँ, ओरिजिन, ठीक है आ जाओ, अब ड्राइंग करते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ड्रॉ में आपको समझ में आए बात। अच्छा देखो, सेंटर अगर आप सही से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर पे ही बनाना सही है, ओरिजिन, ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होंगे। अच्छा अब देखो, एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है या तो माइनस टू आ रही है या तो फोर आ रही है, तो जैसे पहले वाला ग्राफ बनाया था वैसे ही बना सकते हो आप, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 बोल के वाई बना दिया 4। अच्छा ये 1, 2 ही बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होगा आपका इसी तरह, ये पॉजिटिव क्यों होगा, 0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नेगेटिव, ठीक है। चलो ये तो हो गए, अब आप ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन यानी इनइक्वालिटी को यूज़ कर इक्वेशन बनाई थी, उससे क्या लाइन निकली, क्या एक्स इंटरसेप्ट और क्या वाई इंटरसेप्ट निकला था, कि एक्स की वैल्यू माइनस टू आई थी, माइनस टू तो यहाँ आएगा ऑब्वियस है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी माइनस टू आ गई थी, और वाई की वैल्यू देखो क्या आई है, 5/2 यानी 0.5, 5/2 होता है 2.5, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, ठीक है, तो 2.5 लेकिन पॉजिटिव का आया है, ये नेगेटिव था लेकिन ये पॉजिटिव है, तो 2.5, ठीक है। अच्छा आगे देखो, आगे चलो। अच्छा दूसरी वाली आपने जब इक्वेशन यूज़ करी तो x की वैल्यू 4 आई थी लेकिन पॉजिटिव में आई थी। अच्छा अब ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि यहाँ से x को मिटा दिया जाए और नीचे लिख दिया जाए, ठीक है, ये लो। अच्छा y की वैल्यू देखो क्या आई है, y की वैल्यू आई है आपके पास 8, काफ़ी बड़ी वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव में है, ये आ गया। अच्छा तो देखो, पहली वाली दूसरी वाली इक्वेशन का यूज़ करके ये लाइन आई, और तीसरी वाली का यूज़ करके और पहली वाली का यूज़ करके ये आई। अच्छा अभी ना आपस में मिलाओ भी, ठीक है, इन्हें ऐसे आपस में मिलाओ, ऐसे आपस में मिलाओ, अच्छा। अब देखो, शेडेड रीजन एक के लिए ओरिजिन की तरफ है, दूसरे के लिए नहीं है, किसके लिए ओरिजिन की तरफ है, अच्छा इस वाली लाइन के लिए तो ओरिजिन की तरफ नहीं है, यानी इस वाली लाइन के लिए ओरिजिन से बाहर आ रहा है क्योंकि ये फॉल्स हो गया था, हमने किया ना ये फॉल्स हो गया, लेकिन दूसरी वाली लाइन के लिए ट्रू हुआ था, यानी ये वाली जो लाइन है ना इसके लिए ओरिजिन की तरफ है, इसके लिए ओरिजिन की तरफ, यानी ये वाला रीजन आपका कवर हो रहा है, समझ में आई बात, ठीक है।
कलर कर रहे हैं ब्लैक पेंसिल पे। अच्छा, अब जहाँ ये क्या आ गया, फिजिबल रीजन आ गया, यानी दोनों लाइन की मदद से एक रीजन बन रहा है, उस रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। अब कॉर्नर पॉइंट क्या है, एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला, इस रीजन के लिए कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है। ये वाले पॉइंट नहीं देखने हमने, जो रीजन बन रहा है ना उसके लिए। तो यहाँ पर तो समझ में सिंपल आ रहा है कि हमारे पास ज़ीरो है और प्लस 5/2 है, ठीक है, जो कि हमने 2.5 बनाया था। अच्छा, यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 0 और 8 है। अब इधर कुछ समझ आ रहा है, इधर भी समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। नीचे देखो तो कुछ 1.7 बन रहा है, ठीक है, 1.7 बन रहा है आपके पास। अच्छा, अब ये वैल्यू थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, इसको लिख लो। अच्छा, 1.7 बन रहा है ना, देखो ना, इसको गिराओ, नीचे गिराओ, तो ये बीच में आ रहा है, तो 1.7 देखो, तो 1.7 सही नहीं है, 1.8 भी सही नहीं है, 1.6 भी सही नहीं है, 22/30, हाँ 1.7 सही है, 1.7 ले लो। अच्छा, अब देखो बहुत सारी जगहों पे ना इसको मैं 1.7 ले रहा हूँ, मैं ज़रा ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट लिख रहा हूँ 1.7। अच्छा, अब मैंने तो ये 1.7 लिखा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पता है इसे क्या लिया गया है, 22/13, तो क्या ये 1.7 नहीं है, 1.7 ही है ना, सही कहा था ना मैंने। अब मसला पता क्या आ रहा है, उसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, यानी उसको हमने ऐसे लिखना है, क्या कहते हैं, ऐसे करके लिखना है। तो आप लिख लो 21.7 भी लिखोगे तो भी ठीक है, मसला नहीं है, 22/13। असल में ये कैलकुलेशन ना कंप्यूटर की मदद से हुई हुई है, तो कंप्यूटर तो इस तरह से निकाल देगा बिल्कुल एक्यूरेट, हम नहीं निकाल सकते, हम कंप्यूटर नहीं हैं। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देख लो, दूसरा पॉइंट कहाँ बन रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ बन रहा है, 4.4, तो ठीक है, 4.4 या 4.5 बन रही है, चलो। लेकिन दिया हुआ क्या, मैंने क्या लिया, इधर लिया 4.5। अब देखो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसे, 60/13, देख रहे हो, 4.6, मैंने 4.5 लिया था, लेकिन ये 4.6 बन रहा है, तो 4.6 ले लो, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो, ये मज़ीद थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, देखो इस पॉइंट पर x की क्या वैल्यू है, कैसे निकालोगे, इस पॉइंट से लाइन को नीचे गिरा दो, जहाँ पर x को मीट कर रहा है वो x की वैल्यू हो जाएगी। इस पॉइंट पे y की क्या वैल्यू है, इस पॉइंट को आगे ले जाओ, जहाँ पर मीट कर रहा है वो y की वैल्यू। तो मैंने 4.6 लिया, क्यों, क्योंकि मैं कंप्यूटर तो नहीं हूँ ना, एक रफ कैलकुलेशन चल रही है, तो इसको ले लेते हैं 60/13, ठीक है, चलो ये कॉर्नर पॉइंट हो गए आपके। अब चाहो तो इसको अलग से लिख लो, या चाहो तो ऐसे ही लिख दो, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट में ये तो बहुत समझ में आ गए थे, बस यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखने में मसला होगा। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे सर पेपर में क्या करें, तो देखो पेपर में ऐसे लिख देना 1.7 और 4.5, ठीक हो जाएगा, क्योंकि टीचर समझ सकता है भाई कि बच्चा इस तरह से वैल्यू नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये तो उसके काम है ना, ये तो उसके काम है, क्या कहते हैं, या तो आप इंटरसेक्शन की मदद से, या तो आप दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करके निकालो, या तो फिर कंप्यूटर से निकालो, तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, और जो शुरू में मैंने तरीका बताया था वो भी फॉलो कर सकते हो। चलो दूसरा सवाल हो गया, अब तीसरा सवाल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये रहा, जिसमें कहा जाता है आपको कि 4x + 3y लेस देन या बराबर होना चाहिए 12 के, 3x - 2y छोटा होना चाहिए यानी लेस देन और बराबर होना चाहिए 9 के, और एक कंडीशन भी आपको दे दी उन्होंने, ठीक है। तो भाई लाइट जो है वो चली गई है, देखते हैं बगैर लाइट के हम जितना कर सकेंगे उतना इंशाल्लाह कर लेंगे। चलें तो अब इसे जो है वो सॉल्व करते हैं मज़ीद फर्दर आगे। अब देखें जैसे पहले करा है बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि भाई आपने अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो बाकी सब आप खुद भी करने के लिए जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन की एडिंग चलेगी। अच्छा, फर्स्ट वी कंसीडर इनइक्वालिटीज़,
ठीक है, इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन जो है आपने कंसीडर क्यों करना है, क्योंकि भाई हमें जो है ना वो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में हम ऐसा थोड़ी ना ले सकते हैं कि लेस देन या इक्वल, वहाँ तो हमें कोई एक वैल्यू चाहिए होगी ना, इसलिए कर रहे हैं। फर्स्ट वी कंसीडर इनइक्वालिटीज़ एज एन इक्वेशन। आपने देखा होगा ना मैं एक ही पॉइंट बना रहा हूँ। अच्छा, तो अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखें लाइट मैंने कहा ना जा चुकी है, तो अब वो ये होगा कि कभी फ्लक्चुएट करेगा, कभी आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो अब हमारे पास क्या है, 4x + 3y < 12 के, तो ये इक्वेशन बनानी थी ना, तो इसे इक्वेशन कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते 3x - 2y = 9। तो ये पीछे जो है वो कौवे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैंने खिड़कियाँ खोल दी है ना, ताकि हम अपना काम कर सकें, तो चला जाएगा बेचारा, कोई मसला नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, अब हमने करना है एक्स इंटरसेप्ट, यूज़ इक्वेशन वन फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे आप, एक्स इंटरसेप्ट देखो वर्डिंग थोड़ी कम भी कर सकते हो, जितनी मैं लिख रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन इतनी लिखोगे तो अच्छा ही रहेगा, टीचर को पता चलेगा कि आपने कुछ काम किया है। तो 4x, ठीक है ये लिखी हुई आपके पास आपकी इक्वेशन 4x + 3y। अच्छा वाई की जगह मैंने 0 रख दिया और = 12 था ये। ठीक है, अच्छा तो आपके पास एक्स की वैल्यू बड़ी सिंपल आ रही है, ये भी कट गया, तो जस्ट 3 आ रही है। ठीक, ये काम आप वाई इंटरसेप्ट के लिए भी करोगे। तो ये वाई इंटरसेप्ट तो है नहीं, एक्स की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो 3y = 12, तो यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, तो y = 4। अच्छा अब शेडेड रीजन वाला काम करते हैं। तो 0 0 क्या रखा हूँ मैं, 0 0 एक्स को और वाई को, तो ये 4 0, ये 3 और ये 0, तो यहाँ इनइक्वालिटी लेना। ठीक है, तो ये 0 12, ये बात ठीक है, 0 छोटा होता है 12 से। ठीक है, तो ये ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या होता है, शेडेड रीजन क्या कहाँ आ जाता है, शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ आ जाता है, टू वर्ड ओरिजिन। ठीक है मेरे भाइयों, अच्छा अब यूज़ करते हैं use equation 2, क्या फाइंड करना है, फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एंड एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता करेंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा चलो मैं ज़रा स्केल से लाइन खींच लूँ बीच में, ताकि अच्छा लाइट जाने से एक फ़ायदा हो जाता है कि कॉपी पेजेस ना उड़ते नहीं है, असल में पंखा चल रहा होता तो फिर वो कॉपी के पेजेस उड़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लाइट नहीं जाए तो ही बेहतर है। ठीक है चलो, ये आ गया आपका काम। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने दूसरी इक्वेशन को यूज़ करना है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या है कि दूसरी इक्वेशन बहुत सिंपल है, 3x - 2y = 9 लिख लेते हैं। 3x - 2y = 9। चलो अब इस पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए काम करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, तो y = 0, तो 3x - 2 और ये 0 = 9, तो x = 9/3, तो x = cancel, just 3 आएगा। ठीक है, अच्छा
समझ में आया मैंने क्या किया, इसको यूज़ करा है, ठीक है, इसको यूज़ करके जो है वो पता किया है। तो मुश्किल वाली कोई बात नहीं है और ना ही कोई परेशानी वाली बात है, आसान काम है। चलो अब आगे चलते हैं, इसी को अगेन यूज़ करते हैं वाई इंटरसेप्ट के लिए। वाई इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू ऑब्वियस से ज़ीरो हो जाएगी, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 9, यहाँ जस्ट 0, यहाँ 2y और ये 9, तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहे आपस में, माइनस ये 9 है, ठीक है, 9/2, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि दोनों सेम टेबल पे नहीं आते ना। तो सेम टेबल पे नहीं आते तो क्या हुआ, हम चेक कर लेते कि ये क्या नंबर आ रहा है, ये 4.5 आ रहा है, y इक्वल टू माइनस 4.5। चलो अब शेडेड रीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा लो, 0 0 एक्स और वाई, ठीक है, देखो इस तरफ आ जाओ, ये देखो ये क्या आ रहा है आपके पास, 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 9, 0 बोल दिया मैंने गलती से, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो 0 लेस और इक्वल 9, ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, ये आपका काम हो गया, ठीक है। अब आप आ जाते हैं इसकी तरफ, ग्राफ की तरफ, अब इसकी मदद से ग्राफ चल बनाते हैं, ग्राफ यहाँ बन जाएगा हमारा साफ सुथरा सा। अच्छा सबसे पहले x की वैल्यू देख लो, सबसे बड़ी x की वैल्यू कौन सी है, उसी के हिसाब से स्केलिंग करेंगे हम, स्केलिंग करना है यानी वैल्यू रखना, ठीक है। अच्छा x की जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है मेरे पास वो आई है 3, मतलब दोनों ही x 3 हैं, तो 0.5, 1.5, 2, ये बेहतर लिख लेते हैं नज़र नहीं आ रहा होगा, 2.5, 3, 3.5 और ये 4, ठीक है। अब यहाँ भी बना लेते हैं, पेंसिल शॉप कर लेता हूँ क्योंकि वरना आपको मुश्किल होगी देखने में। चलो तो ये शॉप वाली पेंसिल हो गई, पहले हम चेक करते थे बचपने में पेंसिल शॉप हुई या नहीं हुई, कैसे एक दूसरे को नोक चुबाते थे, 0.5, 1 ही आ गया, ठीक है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और ये जस्ट 4 आ गया, ठीक है भाई, ये आपका आ गया, काम हो गया। अच्छा ये सब नेगेटिव्स में आ रहा है, ये सब नेगेटिव में है तो नेगेटिव ज़रूर बना लेना, पहले एक साथ लिख दो फिर नेगेटिव कर लो। अच्छा ये 1, 2, 3, 4, 5 कर दो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये जस्ट 9 हो गया, ठीक है। इतनी तरह नीचे भी कर लो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये -9, ठीक है। अच्छा पहली जो इक्वेशन है उसका यूज़ करके x की वैल्यू 3 आई थी और 4 आई थी, तो 3 ये रहा मेरा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो ये पहली लाइन आ गई, कर लेते हैं लगे हाथ ड्रॉ ही कर लेते हैं, अच्छा काम आसान हो जाएगा, ये लो पहली लाइन आ गई। अच्छा दूसरी लाइन देखो क्या आई थी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -9.2 हमारे पास क्या बना था, 4.5, तो देखो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, ये अगेन x की वैल्यू आ गई। अब शेडेड रीजन समझ गए किस तरफ होगा, है ना, देखो दोनों सही आए थे, दोनों ट्रू आए थे, लेकिन एक कंडीशन गिवन थी, क्या कंडीशन है, x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं लेना, 0 से बड़ी ले सकते हो, छोटी नहीं लेना, y की वैल्यू भी 0 से छोटी नहीं लेना, बड़ी लेना, ठीक है। तो इसका मतलब है शेडेड रीजन सिर्फ ये वाला आएगा, ये 0 भी आएगा लेकिन 0 से छोटा नहीं जा सकते आप, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, छोटी नहीं है। तो जो बच्चे ये वाला रीजन कवर करने की सोच रहे हैं, ये रीजन कवर नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, इसमें आपको लिमिट लगा के दी गई है, उस लिमिट को फॉलो करेंगे। अब कॉर्नर पॉइंट देख लो क्या आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट में यहाँ 0 0 आ गया, 0 0 और यहाँ आ गया आपका 3 0 और यहाँ आ गया आपका 0 4, ये 3 कॉर्नर पॉइंट थे आपके।
आई होप ये अच्छा समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा आसानी था सवाल इससे प्रीवियस वालों के मुकाबले में। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट बिल्कुल सही आया, सारी चीज़ें बिल्कुल सही आई हैं, आई होप अच्छा समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल भी करता हूँ इससे पहले के मगरिब हो जाए, क्योंकि मगरिब हो गई तो फिर अंधेरा हो जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन शुरू कराता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास मौजूद है अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें भी आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, और आप इसमें ना थोड़ी सी ये चेंजिंग है कि एक और इनइक्वालिटी की इक्वेशन दे दी, मतलब एक और इनइक्वालिटी दे दी है, बाकी सॉल्व वैसे ही होगा, बस इसमें 3 लाइनें बन जाएंगी, वहाँ 2 बन रही थी या 3 बन जाएगी। अच्छा, यहाँ इन्होंने सोल्यूशन स्पेस कहा है, तो ये फिजिबल रीजन ही है, इसी को इन्होंने सोल्यूशन स्पेस कह दिया। कोई मैं कोई परेशानी मुश्किल वाली बात नहीं है, वैसे ही होगा जैसे पहले करा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बस इसमें ये है कि आपको एक इनइक्वालिटी ज़्यादा मिल गई है, तो वही वर्डिंग लिखो, कंसीडर फर्स्ट लिख लो पहले, फर्स्ट कंसीडर इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन, इनइक्वालिटी को इक्वेशन मान लो। तो इनइक्वालिटी क्या है, 5x-y = 16, 3x+2y = just 6, तो x+2y = 5। अच्छा, यहाँ भी कॉन्स्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब हम आखिर में अपना काम कंप्लीट करेंगे तो। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। ठीक है, तो करना क्या है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, यूज इक्वेशन 1। क्यों इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करना, यूज इक्वेशन 1 फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए करना, तो जब आप एक्स इंटरसेप्ट पता करते हो, तो एक्स इंटरसेप्ट पता करने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, y = 0 रखना पड़ रहा है। तो 5x-y = 16, 5x ये 0 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये x आपका जस्ट आ रहा है 16/5। अच्छा, देख लो कि ये नंबर क्या है ताकि हमें आगे कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाए, तो जस्ट 16 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके पास आ रहा है 3.2। ठीक है, छोटा नंबर ही है, बड़ा नंबर नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं ऊपर करना भूल गया था, ये लो। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब वाई इंटरसेप्ट पता करते हैं, इसी तरह बस एक दो काम आपने ज़्यादा करना है, बाकी तो कोई और कोई ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा अलग होता तो मैं बता देता आपको। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे। अच्छा, है क्या हमारे पास, 5x-y < 16, तो ये 0 हो गया और ये y हो गया। अच्छा, मैं यहाँ गलती से इसे इनइक्वालिटी लिख लिया, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इनइक्वालिटी नहीं है, सही है, इसको इनइक्वालिटी लिखते हैं ताकि फिर हमारे को मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी लिख लिया मैंने। अच्छा, अब इसको आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो शेडेड रीजन निकालते हैं, 0, 0 और 0, और ये तो इनइक्वालिटी क्या थी हमारे पास, 5x-y, देखो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, 16 आ गया, तो ये बात तो ट्रू लिखी हुई है ना, ट्रू लिखी हुई है, तो इसका मतलब है शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजन, ओरिजन अभी आई आएगा, ठीक है, लगा लेना, चीज़ के पहले भी आई आता है। अच्छा, ये तो पहले के लिए काम हो गया, अब यूज़ इक्वेशन 2, फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट।
चलो भाई लाइट आ गई, आपको एक 32 नज़र आ रहा होगा, ये लो लाइट को सही कर देते हैं। तो अब आगे हम मूव करते हैं और आगे का काम करते हैं और आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है। अच्छा जल्दी आ गई लाइट। अच्छा अब देखो आगे क्या है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट यानी वाई इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, तो 5x ये ज़ीरो हो गया। अच्छा ये हमने ऊपर वाला रख दिया, इक्वेशन टू देखो क्या है, इक्वेशन टू थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस डाउन कर देता हूँ ताकि नज़र सही है। इक्वेशन टू है 3x प्लस 2y, लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, देखो यही है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अच्छा तो क्या रखना है, ज़ीरो मैंने y ज़ीरो रखना है, तो 3x इक्वल टू 6 ये डायरेक्ट ज़ीरो कर दिया मैंने, इसे ख़त्म हो गया, तो x इक्वल टू 2 सही है, समझ गया ना, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर 6 जो है वो 2 पर आता है, 3 1 पर, फाइनल आंसर 2 आएगा। अच्छा y इंटरसेप्ट भी लाजमी है, तो x की वैल्यू 0 इसमें रखना है, ठीक है, तो ये 6 आ गया, तो y इक्वल टू 3 आ गया आपका जवाब, ठीक है y इक्वल टू 3 आ गया। अच्छा तो शेडेड रीजन अगेन आ जाते हैं 0 0 और x और y। अच्छा पुट कहाँ करना है आपने, इसके अंदर पुट करना है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y लेस और बराबर 6 के। अच्छा देखो 0 0 जस्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है, बात ट्रू है, तो शेडेड रीजन कहाँ चला गया, शेडेड रीजन 2 वर्ड और रीजन, ठीक है ये दो काम हो गए। अब यहाँ पर आके हम पहले रुक जाते थे, लेकिन अब तीसरी इक्वेशन है, यूज़ इक्वेशन 3 फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। चलो बाकी काम करते हैं, नमस्ते भाई। तो नाउ स्टूडेंट अब आगे चलें, बाकी करते हैं काम, ठीक है, कहाँ थे हम लोग, यूज़ इक्वेशन 3 फॉर एक्स इंटरसेप्ट पे थे ना, ठीक है भाई। अच्छा एंड वाई इंटरसेप्ट भी तो लिखना था, ठीक है, तो x इंटरसेप्ट करते हैं, तो y की वैल्यू मैं 0 रखूँगा, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है, तो ज़रा रख के सॉल्व करें। तो इक्वेशन जाती है हमारी तीसरी वाली, देख लेते हैं, x प्लस टू y इक्वल टू 5। अच्छा शेडेड रीजन हमने पता करा, शेडेड रीजन ये आ गया, शेडेड रीजन ये आएगा, ठीक है। अच्छा इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 आ गया, y इंटरसेप्ट, तो x 0 हो गया, प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है, ये हमारा दो काम हो गए, जस्ट वन जस्ट टू, शेडेड रीजन। अच्छा x प्लस 2y लेस है या इक्वल है 5 के, ज़ीरो ज़ीरो 5 ज़ीरो, ये बात ठीक है, ट्रू है, तो क्या होगा, ये बात ठीक है तो क्या हो गया, ट्रू ट्रू हो गया, तो शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजन। चलो ग्राफ बनाते हैं, बहुत सिंपल है ग्राफ, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है इसमें ग्राफ, चलो
यहाँ आ जाओ। ठीक है, देखो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। देखो एक्स चेक कर लो, सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 3.2 आ रही है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 तक आ रही है, तो चलो हमें 1, 2, 3 करना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4। मैं यहाँ पर एक आपको एक बात बोलूँ कि देखो आप जब कुछ मेहनत करते हो ना, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपके रास्ते में बहुत रुकावटें आती हैं, तो आपने क्या करना है, उन रुकावटों से डर कर काम नहीं छोड़ देना। यार इतनी रुकावटें आ रही हैं, इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं, मज़ीद मेहनत शुरू कर दो, मज़ीद, फिर देखना रुकावटें भी दूर होंगी, मज़ीद कामयाब हो जाओगे। तो कभी भी डरते नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा आपका, आप चाहते हो कि लोग साथ दें, आपका नहीं दे रहे आपके वो साथ, आपको नहीं समझ रहा कोई, नहीं, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह आगे बढ़ जाओगे। ठीक है भाई, चलो छोटी सी मोटिवेशन मिल गई, अब आप उम्मीद है अच्छे तरीके काम कर लोगे। आप पहली ज़रा बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 9.2 देख लेते हैं क्या होगी, 4.5। अच्छा, तो ये 3 आ गया हमारा, और 9.2 यानी, अच्छा नेगेटिव में ये ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये आपकी एक लाइन तो ड्रॉ हो गई, ठीक है, ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अच्छा, आप दूसरी लाइन ड्रॉ करो, ओ सॉरी, ये तो मैंने पिछला वाला सवाल देख लिया, चलो इसको भी रिमूव करते हैं, कोई मसला नहीं, हो जाता है, ये मैंने पिछले वाले सवाल से देख के बना दिया। चलो ये वाली लाइन नहीं थी, ठीक है, ये तो पीछे वाला सवाल है ना। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 3.2 यहाँ आएगा, ठीक है, इसको मज़ीद साफ़ सुथरा कर लेते हैं, थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये 3 आ गया। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है आपका 3.2, ठीक है, 3.2 आ गया। वाई की वैल्यू देखते हैं, वाई की वैल्यू -16 आ रही है, तो -16 तो ये इसके बहुत ऊपर चली जाएगी बात, 9 समझ लो यहाँ पर आ रही है कोई वैल्यू, यहाँ पे ले लो -16। सही है, ग्राफ से बहुत नीचे जा रहे हो आप, लेकिन स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, यहाँ पर आ रही है, समझ लो, ठीक है, समझ लो यहाँ पर आ रही है -16। ठीक है, अच्छा एक्स की वैल्यू बना दी मैंने, वाई की वैल्यू बना दी मैंने। अच्छा, आप दूसरी लाइन बनाते हैं। अच्छा, पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अच्छा, आप दूसरी लाइन बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, तो ये रहा 2 और ये रहा 3, पॉजिटिव में दोनों, ठीक है, आगे लेगा। अच्छा, अब दूसरी तीसरी लाइन बनाते हैं, 5/2 यानी 2.5 होगा, ठीक है, 2.5 और 5, 2.5। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 5, एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ गई, ठीक है, ये देखो इधर से देख के बना रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, बात समझ आ जाएगी। y की वैल्यू 2.5 यहाँ पर है। चलो अब देखते हैं इसका रीजन कैसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, अब इसका रीजन बनाते हैं, असल काम है इसका रीजन निकालना, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रीजन इसका ये वाला होगा, ओरिजिन की तरफ था ना, ये वाला इसका रीजन है। अच्छा, अब तीन लाइन होने की वजह से ना 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, यानी कॉर्नर 4 आ रहे हैं, देखो एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा और एक कॉर्नर ये रहा, ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको पता 0-0 होगा। अच्छा, कॉर्नर लिख देता हूँ मैं इसके, कॉर्नर, तो एक तो 0-0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0-2, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 और 5/2। अच्छा, एंड आखिरी कॉर्नर देखो क्या आ रहा है, आखिरी कॉर्नर है ये, अब ये वाला कॉर्नर क्या होगा,
ये वाला कॉर्नर होगा 1/2। अब ये निकाला कैसे मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं बता देता हूँ। 9/4। अच्छा देखो, इधर से ज़रा ये चेक करो, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर आओ, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 है ना। देखो 1 से पहले तो 0.5 ही आ रहा होगा ना, ठीक है, x की वैल्यू 0.5। अच्छा यहाँ पर क्या आ रही है x की वैल्यू, यहाँ पे तो 0 0 आ रही है x y दोनों, और यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5/2। ठीक है देखो यहाँ आ रही है 0 और 5/2। ठीक है अब यहाँ वाला निकाल लो, यहाँ क्या आ रहा है 0 और 2। ठीक है इस तरह से हमारा आ गया। अच्छा ये थोड़ा गलत लिखा है हमने, ये गलत लिखा है क्योंकि x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में। अब सही है, समझ गए, कॉर्नर वगैरह सब आ गए। चलो अब इसका अगला सवाल करते हैं। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 5x + 3y < 12, 2x - 3y < 9, x + 2y < 4। अच्छा अब कोई मुश्किल परेशानी वाली बात तो है नहीं, आप जानते हैं, तो जल्दी से वर्डिंग लिखते हैं। फर्स्ट कंसीडर इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन। अच्छा अब इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, इनइक्वालिटी है 5x + 3y = 12, 2x - 3y = 9, x + 2y = 4, 1, 2, 3, तीन इक्वेशन आ गए। अच्छा यूज इक्वेशन 1 फॉर फाइंडिंग x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट तो y की वैल्यू 0। अच्छा तो डायरेक्ट रख लेते हैं, तो 5x + 3 और ये 0 = 12, तो x = 12/5। ठीक है भाई बात समझ आई, क्या किया मैंने, बहुत सिंपल सी बात है। चलो भाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। ठीक है 0, तो ये क्या आ गया आपके पास 12/3, तो ये 4 आ रहा है। ठीक है दो चीज़ें आपकी आ गई, शेडेड रीजन निकालना ज़रूरी है, तो 0 0 एक्स और वाई को रख रहे हो आप। ठीक है पुट कहाँ करना है, इक्वेशन नंबर या इनइक्वालिटी 1 में 0 + 3 0 + 12, तो 0 ये बात सही है ना, 12 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, यानी 0 < 12, ट्रू। शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ, शेडेड रीजन टू वर्ड ओरिजिन। चलो यूज इक्वेशन 2 फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ये बस एक्सरसाइज ना थोड़ा लिखने में ज़्यादा है, वैसे कोई इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, ये मैंने शुरू में ही आपको बात कही थी। चलो तो x की वैल्यू 0 रखो, x इंटरसेप्ट है ना, तो y की वैल्यू 0 रखो। ठीक है तो 2x आ गया 3 और ये 0 आ गया और ये 9, तो x = 9/2, जस्ट बात कंप्लीट। y इंटरसेप्ट, x की वैल्यू 0, तो 2 0 - 3y = 9, तो y = -9/3, y = 1/3 पर
वाई इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। शेडेड रीजन ज़ीरो ज़ीरो एक्स और वाई, तो टू ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो नाइन, बात ठीक है, ठीक है, ट्रू है। शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजन, ठीक है, ये लो। चलो देखो, मैं भी तेज़ी में काम कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो गई है, यानी अब आप भी अच्छा काम कर सकते हो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन लिखो, वर्डिंग ज़रूर लिखना, यूज़ की वजह यूजिंग लिख रहे हैं, तो चलो इसको यूज़ इक्वेशन थ्री फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के लिए जो इक्वेशन थ्री, चलो इक्वेशन थ्री लिख लो, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर। चलो आगे बढ़ो, एक्स एंटर तो वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स प्लस टू और ये ज़ीरो और ये फोर, तो एक्स इक्वल टू जस्ट फोर। अब वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख के काम करेंगे, तो टू ये तो ज़ीरो हो गया एक्स, तो वाई इक्वल टू फोर, तो वाई इक्वल टू टू आ रहा है, ठीक है, तो ज़ीरो ज़ीरो एक्स और वाई, तो ज़ीरो प्लस टू और ये ज़ीरो लेस और इक्वल फोर, बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। तो शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजन, चलो हो गया काम। देखो मैंने कितनी तेज़ी में लिखा, वैसे मैं थोड़ा तेज़ लिख लेता हूँ, सलाह दिए अगर ध्यान मेरा पूरा फोकस उसी पर। अच्छा चलो आओ आगे चलते हैं, यहाँ देखो भाई ओरिजिन चेक करो, आप ओरिजिन चेक करो, ये आ गया मेरा पॉजिटिव, ये आ गया मेरा नेगेटिव, ये आ गया मेरा पॉजिटिव, ये आ गया मेरा नेगेटिव, ये आ गया मेरा एक्स, ये आ गया मेरा वाई, ये आ गया मेरा एक्स, ये आ गया मेरा वाई। अच्छा देखो हमारे पास जो नंबर आए हुए थे, जो हमने नंबर निकाले हैं वो 12.5 ऐसे आ रहे हैं कि छोटे नंबर है, तो यानी 1 2 3 4 रख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 फाइव। आप इंजीनियरिंग बगैर ग्राफ बनाए कभी कर ही नहीं सकते, हर कोर्स में कहीं ना कहीं ग्राफ होता है, तो ग्राफ को बड़ा फोकस करा करें। इनके सब भी माइनस लगा लेते, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and then -9, ठीक है। पहली वैल्यू बनाते हैं, देखो x की वैल्यू 12/5, समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो ऐसे कर लो 12/5 इक्वल टू 2.4, तो 2.4 यहाँ पर आई है। y की वैल्यू जस्ट 4, पहली लाइन तो बहुत सिंपल तरीके से आई आपके पास। अच्छा दूसरी लाइन देखो, x की वैल्यू 9/2, यानी अगर हम कहें तो 9/2 कुछ 4.5 बनता है, तो 4.5, और y की वैल्यू जस्ट -3, देख लो कितने आसानी से बन रहा है। थोड़ा सा इसे डार्क कर देना, ठीक है। आखिरी वैल्यू देखो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। अच्छा जहाँ पर तीनों मिलेंगे
वहाँ पर आपके पास कॉमन रीजन होगा। तो देखो तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तीनों कहीं भी नहीं मिल रहे, लेकिन रुको इसको आगे बढ़ा दो। अब बताओ तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इस रीजन में मिल रहे हैं। तो ये वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन है, ये वाला, क्योंकि देखो सारे ओरिजिन की तरफ थे ना, तो ये वाला रीजन हमारा शेडेड रीजन है, ये वाला रीजन फिसिबल रीजन जिसे कह लो, या सोल्यूशन स्पेस, यानी आपको आपका सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। तीन लाइन होने की वजह से चार पॉइंट आते हैं, एक दो तीन चार, जैसे हम कॉर्नर पॉइंट कह रहे होते हैं, कॉर्नर पॉइंट जहाँ पर लाइनें आपस में मिल रही हैं, पहचानना बहुत आसान है, दो लाइनें आपस में मिल रही होंगी, इधर मिल रही है तो ज़ीरो ज़ीरो, और एक इधर मिल रही है तो वो ज़ीरो टू, और एक इधर मिल रही है। अच्छा देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे, यहाँ पे ये टू नहीं है, टू से कुछ ज़्यादा है, तो टू से कुछ कम है, 12/7, अब 12/7 करके चेक करो, टू से कम आ रहा होगा, 8/9, अगर मैं कहूँ तो ये 1.8 है, 1.8, देखो 12/7, देखो 1.7 1.8 बन रहा है, लेकिन आप पेपर में 1.8 लिखोगे कोई कटेगा नहीं, कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा अब अगला पॉइंट हमारा यहाँ मिला था, अच्छा तो इसको भी लिख लेना ज़रा, 12/7 8/7, देखो यहाँ वाई की वैल्यू तो ज़ीरो है, जस्ट एफ़ की वैल्यू आ रही होगी, तो 12/5, अब देखो यहाँ 12/5 क्यों आ रहा है, अब ये पॉइंट 2.3 या 2.4 होगा, तो 12/5, देखो 2.3 या 2.4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ आपको सबको पता है वाई की वैल्यू तो ज़ीरो होती है, ये लो ये आपका काम हो गया, एक मिनट रुको ज़रा इसको सही कर देते हैं, 12/5 ये आ गया आपके कॉर्नर पॉइंट। फ्रैक्शन में लिखना, लेकिन अगर पेपर में फ्रैक्शन में ना भी लिख पाओ तो डेसिमल में लिख सकते हो, समझ गए। अब आओ आखिरी क्वेश्चन करते हैं, चलो तो अब हमारा स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद फिर इंशाल्लाह काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो कहते क्या हैं, 6x+5y ग्रेटर हैं या बराबर है 12 के, वही काम करना है, फर्स्ट कंसीडर इनइक्वालिटीज एज एन इक्वेशन, ठीक है, तो क्या हो गया, 6x+5y = 12 14, 4x+2y = 10, 3x-2y = 8, 1 2 3, ठीक है, दो तीन इक्वेशन सब हैं। अच्छा अब देखो, यूज इक्वेशन 1 फॉर फाइंडिंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, तो अगर एक्स इंटरसेप्ट की तरफ जा रहे हो तो सब बच्चों को पता है कि वाई की वैल्यू ज़ीरो रखनी पड़ जाती है, 6x+4 और ये 0 = 14, तो x = 14 6, तो ये आ गया, ये 6 के टेबल में, 6 के टेबल में तो दोनों नंबर नहीं आएंगे, तो ये 2 के टेबल में आ जाते हैं, तो ये 7 पर आएगा और ये 3 पर आएगा, तो 7/3। अब शेडेड रीजन, तो 0 0 एक्स और वाई, तो शेडेड रीजन के लिए इनइक्वालिटी में पुट होगा, ठीक, ये बात गलत है, 0+0 = 14, तो 0, ये बात गलत है, फॉल्स, क्यों, शेडेड रीजन इज नॉट टूवर्ड ओरिजन, ठीक है, शेडेड रीजन ओरिजन की तरफ तो नहीं है, उसकी वजह यह है भाई, ज़ीरो बड़ा थोड़ी ना होता है 14 से, ज़ीरो तो छोटा होता है 14 से। चलो आगे करते काम, अच्छा देखें, अगर आप बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो आप कितने ज़्यादा पेजेस लग जाएंगे, ग्राफ बुक भी कंप्लीट हो गई हमारी दो एक्सरसाइजेस में। अच्छा अब करते हैं हम यूज़
इक्वेशन टू फॉर फाइंडिंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। यहाँ भी ऐसा आएगा। अच्छा तो इक्वेशन टू क्या है, टू एक्स फोर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू टेन, ठीक है। अच्छा तो एक्स इंटरसेप्ट सबसे पहले आएगा, तो वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो फोर एक्स प्लस ज़ीरो हो गया ये पूरा वाला टेन, तो ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, टू पर फाइव पर, या ये फाइव पर और ये आ गया टू पर, ठीक है। अच्छा वाई इंटरसेप्ट तो ये तो ज़ीरो हो गया, टू वाई इक्वल टू, तो ये वन पर आता है, ये फाइव पर आता है, तो वाई इक्वल टू फाइव, ठीक है। अब आ जाओ यूज इक्वेशन शेड रीजन, ज़ीरो ज़ीरो एक्स और वाई, फोर एक्स प्लस टू वाई, फोर एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू टेन, तो ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो ट्रू है, ज़ीरो छोटा होता है टेन से। तो शेडेड रीजन किस तरफ हो गया, शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन, शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन, ठीक है भाइयों और बहनों। चलो अब आ जाओ यूज इक्वेशन थ्री फॉर फाइंडिंग एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। एक्स और वाई इंटरसेप्ट पता करते हैं। इक्वेशन थ्री क्या है, थ्री एक्स माइनस टू वाई, देखो ये रहा। अच्छा पहले हमने इक्वेशन से यूज़ करिए ना, हाँ थ्री एक्स, देखो थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू एट, देखो ये इक्वेशन थ्री। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट तो वाई इक्वल टू ज़ीरो, तो थ्री एक्स इक्वल टू एट, तो एक्स इक्वल टू एट अपॉन थ्री, वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, माइनस टू वाई, ये ज़ीरो हो गया एट, तो y इक्वल टू एट अपॉन माइनस टू, ये वन पर आता है, ये फोर पर आता है, तो y इक्वल टू माइनस फोर। शेडेड रीजन तो ज़ीरो ज़ीरो x और y, तो थ्री एक्स माइनस टू वाई लेस और इक्वल, देखो ये रहा लेस और इक्वल एट, ज़ीरो ज़ीरो तो ज़ीरो, शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन ट्रू है, शेडेड रीजन टूवर्ड ओरिजिन। चलो ग्राफ बनाए, चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो मिड पॉइंट तो नज़र आ जाएगा, ये रहा मिड पॉइंट हमारा, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं जब आप इंजीनियर बनेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, या साइंस की फील्ड में आगे जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत मदद करेंगी। देखिएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू, देखिए ब्लू लाइन पे करना है हमने, जो डार्क ब्लू लाइन नज़र आ रही है, फाइव फाइव के गैप पर है वो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, ठीक है, माइनस वन माइनस टू
माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, माइनस नाइन। अच्छा भाइयों और बहनों, चलो देखो, अब हमारे पास है x की वैल्यू 7/3। मुश्किल हो रही होगी समझने में 7/3, तो इस तरह कर लो 2.33 आएगा। और इसी में हमने y की वैल्यू भी निकाली थी। अच्छा, हमने यहाँ पर सिर्फ x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट नहीं निकाला। जल्दी जल्दी में हम ये गलती कर गए। चलो कोई मसला नहीं है, y इंटरसेप्ट यही निकाल लेते हैं, y इंटरसेप्ट कोई मसला नहीं, हो जाता भाई, जल्दी जल्दी कर देगा। x की वैल्यू ज़ीरो, तो देखो x की वैल्यू जब मैं यहाँ ज़ीरो रखूँगा तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये 5y = 14, तो y = 14/5। ले लो y की वैल्यू, आ 14/5 2.8, यहाँ आएगा 2.8, बिल्कुल 3 के करीब। ठीक है, चलो ये एक लाइन हमारी आ गई, ड्रॉ कर लेते हैं इस एक लाइन को, आगे भी ले जाओ, ज़रूरत पड़ रही है ना। अच्छा, अब आ जाओ दूसरी लाइन के लिए। ये तो आपको पता है 2.5 होगा, 5/2 तो 2.5 होता है, तो 2.5 इधर ही कुछ करीब इधर ही बनेगा। ठीक है, इधर ही बन रहा होगा करीब करीब, थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन इधर ही बन रहा होगा। y की वैल्यू 5, अच्छा अब आ जाओ दूसरी लाइन पे, 8/3, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है, 8/3 2.6, ये भी इधर ही आ रहा है, ये भी इधर ही आ रहा है, इधर ही करीब करीब ही आएगा। अच्छा, वाई की वैल्यू 4, लेकिन माइनस में मिलावे ना आपस में। अच्छा, अब कुछ में रीजन ओरिजिन की तरफ था, कुछ में नहीं था। किस में ओरिजिन की तरफ नहीं था? जो पहली लाइन है इसमें ओरिजिन की तरफ नहीं था, यानी ये वाला रीजन तो नहीं है हमारा, ये वाला रीजन कवर हुआ है। दो लाइनों में रीजन कवर हुआ है, तीसरी में नहीं कवर हुआ था। पहली लाइन में याद होगा आपको नहीं कवर हुआ था, तो इसलिए नीचे वाला एरिया नहीं लोगे आप, ये आ गया आपका। चलो वैल्यू निकालते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर तो आपको वैल्यू कॉर्नर निकालते हैं, कॉर्नर्स, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 और 7/3 आया था। ठीक है, लेकिन 0 और 12/5 यहाँ पर हमने 12/5 बनाया था ना, याद होगा कैलकुलेटर से करके, मैं ज़रा दिखा भी देता हूँ, टेंशन नहीं लो। एक पॉइंट आ गया आपका 0 और 12/5, ज़रा देखो 12/5 देख रहे 2.8, तो यहाँ पे 2.8 ही बन रहा होगा ना। अच्छा, एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया 0 और 5, तो एक आ गया आपका 0 और 5। एंड तीसरा पॉइंट देखो आपका कहाँ पर आ गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका आ गया 8/3, तो ये 8/3 आ गया 2.8/3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना हम ये ले लेते हैं 7/3 और ये 0, तो ये 3 पॉइंट आ गए आपके, 7/3 और ये 0। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके निकल गए। आई होप ये समझ में आया होगा, ये लो देख लो कैसे किया मैंने इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर कुछ ना समझ में आओ तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।